सवाल सुन। आप जहाँ खड़े हो वहाँ विकास हुआ, देखो पूरा रास्ता देख लो, पूरा रास्ता देखो, विकास हुआ नहीं हुआ? देखो ये पानी का प्रॉब्लम नहीं हुआ? आजादी के बाद हमें 2 महीने पानी मिलता है इधर। भाजपा वाले को पूछो, आप डिबेट लगा रहे हैं भैया, बाबूलाल आया का कुछ नहीं हुआ? चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागज पे है, इसके लिए लोगों के लोगों की कोई भी स्ट्रीट में आप चली जाओ। आप अरे सवाल उनसे करती हूँ, आप जवाब देने आ जाते हैं उनको इतनी बोलने। सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं उनको, बोलने मत बोलिए। उनको बोलने की इतनी पड़ी हुई है क्योंकि पोरबंदर कांग्रेस में शून्यावकाश है, पोरबंदर कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पर हाजिर नहीं है, तो अपनी हाजिरी बताने के लिए राजकोट से अगर पोरबंदर की जनता के सामने बोलना चाहेंगे तो चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे ये सही है और बिल्कुल वाजिबी भी है। हाँ, अभी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ, जो विकास की जो मुद्दे की बात थी, ये कॉलेज, ये जनाब बता रहा है कि ये कॉलेज कांग्रेस ने बनाई हुई है, तो ये कांग्रेस ने नहीं बनाई हुई है, पोरबंदर के महाराजा का ये महल है, जहां पर ये कॉलेज की स्थापना हुई उस वक्त यहां के महाराजा कहकर गए थे कि मेरे बच्चे की तरह इसको संभाल कर रखना, यहां पर पोरबंदर के बच्चे पढ़े और इनका विकास हो, इनकी बुद्धि का विकास हो, इस तरीके का एक महाराजा का सपना था। भाजपा के प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूँ, आप विकास किसे कहते हैं? हॉस्पिटल को कहते हैं, कोई बेरोजगार को रोजगार दिया उसे कहते हैं, या रिवर फ्रंट को कहते हैं, या चौपाटी को कहते हैं? मैं तो बेरोजगारों को रोजगारी दे उसे विकास कहता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने 75,000 नौकरियां आज बांटी हैं, वो आपको क्या लगता है? तो किसको दी आपने देखा? किसको दी? वो कॉन्ट्रैक्टर को दी ना? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अपने आप में अगर आप एलिजिबल है, अगर आपके पास किसी डिग्री है, कोई भी डिग्री होने के बावजूद अगर आप सही मायने में वो एलिजिबिलिटी अगर रखते हैं तो आपको सही मायने में नौकरी मिल ही जाती है, नौकरी ढूंढने जानी नहीं पड़ती, नौकरी आपको सामने से ढूंढेगी। अगर आप में सही तरीके का जो वजूद होना चाहिए अगर वो होगा तो नौकरी आपको सामने से ढूंढते चली आएगी। जो ये लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ 700,000 रुपया देकर भी एक लेबर भी नहीं मिलता, इसका मतलब वो बेरोजगार है ही नहीं। यहाँ पोरबंदर में आप क्या करते हैं सर? मैं एक्स आर्मी हूँ, रिटायरमेंट एक्स आर्मी हूँ, और यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है, यहाँ सब मजे से चौपाटी में घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है, यहाँ ब्रेड पकौड़े वाले भी लाखों रुपया कमा रहा है, चाय वाले भी लाखों रुपया कमा रहा है, बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार वही है जो काम चोर है, जिसको काम नहीं करना है वही बेरोजगार है। 350 तलाटी की जगह के लिए 19 लाख लोगों ने अर्जी निकाली थी, 350 तलाटी के लिए, और 19 लाख लोग जो बेकार थे उन लोगों ने तलाटी के फॉर्म भरे थे। ये गुजरात के आंकड़े हैं। गुजरात में पिछले 24 जो पेपर लीक हुए वो 24 पेपर के लीक के आप टोटल करो तो कम से कम 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे जो बेकार थे। 19 लाख आदरणीय कांग्रेस ना प्रवक्ता तो मारा जूना मित्र है, એટલે મારે એમને કે દોસ્ત હૈ યે हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस में ही हूँ, बीजेपी में कभी वोट किया ही नहीं है, लेकिन जब अर्जुन मोटवाड़िया विपक्षी नेता थे तो उसके तो डेली उसका अदाणी और अंबानी का नाम लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके लड़के और भाई का रिलायंस और अदाणी में अब्जो रुपये का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तिरुवनंतपुरम में, कोटा में सेटिंग है उसका, इसीलिए पूरी कांग्रेस की कैडर को इसने खत्म कर दिया है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में, अर्जुन मोटवाड़िया ने, ताकि कोई दूसरा आगे आए ही नहीं। ये बात राहुल गांधी तक हमने भेजी है, उसके पीएपीएस कौशल विद्यार्थी जी को भेजी है, बेजी को भेजी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरी कैडर, ये क्या सेटिंग है सर? ये उनका निजी अभिप्राय हो सकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये उनका निजी अभिप्राय हो सकता है। अच्छा, इस पर आप जवाब नहीं देंगे? आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरी समाजवादी विचारधारा है। इनको आप पहचानते हैं? समाजवादी विचारधारा। ये जो आयाती प्रवक्ता है अर्जुन भाई की तरफ से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अर्जुन भाई 10 साल एमएलए थे और विरोध पक्ष के नेता भी रह चुके हैं, प्रदेश प्रमुख भी थे, लेकिन उनके जो जन्मभूमि है उनकी मोटवाड़ा गांव, जहां उनको 90% वोट मिलते हैं, उनमें आज तक उन्होंने श्मशान नहीं बनाया था। 2012 में बाहुभाई बोखिरिया ने श्मशान बनाया उधर, तो अभी क्या वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अर्जुन भाई अगर इधर आ जाए सपनों में, धारासभ्य बन जाए, तो क्या अर्जुन भाई घर घर पर श्मशान बना देंगे?
घर घर पर स्मशान न बनाए तो ही अच्छा है, नहीं बनाने चाहिए स्मशान। 2012 में भारतीय जनता पार्टी के धारा सभ्य बाबूभाई बोखिरिया की ग्रांट में बनाए, आज भी उधर तख्ती लगी है बाबूभाई के नाम की, अर्जुन भाई के जन्म। अच्छा है, मैं चाहूँ कि अर्जुन भाई घर घर स्मशान न बनाए, लोगों जिंदा रहे, वही मैं चाहता हूँ। तो लग रहा है सर कि इस बार त्रिकोणीय है ये मुकाबला, आम आदमी पार्टी की एंट्री ने क्या पूरा डायनामिक्स को बदला है? देखिए जो बोले। जो कुछ भी ये आम आदमी पार्टी के लिए बोला जाए, तो आज तक जो बेस कांग्रेस और भाजपा ने जो बनाया था वो बट ऑब्वियस है कि लोग अभी तक आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को इतना पहचानते नहीं है। हाँ। अभी वो लोग दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर पूरा अलग है। हाँ। और यहाँ पर ये समझने के बाद बाकी ये जो फ्रीबीज वाली बात है, हाँ। देखिए ये सब चीजों से क्या होता है, आफ्टर ऑल तो पब्लिक का ही नुकसान है। और आज ये जो मुद्दे वाली जो बात है कि हमें क्या करना है, तो पक्ष हो या विपक्ष, उसको सिर्फ ये सोचना है कि अगर विपक्ष वाले बोलते हैं कि ये तकलीफ है तो जो पक्ष में उसको बहुत इजीली एक एनालिसिस मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और कितना इजी हो जाता है कि हमें पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए या ग्राउंड जीरो के साथ कनेक्ट रहने के लिए क्या करना है। मैडम मैं एक युवा के नाते एक बात करना चाहूँगा कि भाजपा को पब्लिक क्यों पसंद करती है, क्योंकि अभी आपने इनके प्रवक्ता से सुना कि ये कॉलेज कांग्रेस ने बनाई है, इनका यह साफ झूठ है, यह कांग्रेस ये महाराजा साहब ने बनाई है और इसका रिनोवेशन हमारा जो विधायक महाराजा का महल मैडम कांग्रेस पार्टी ने कॉलेज बनाया मैडम पैलेस महाराजा का है, अंदर जो बीएड कॉलेज चल रही है वो कांग्रेस ने बनाई है, अंदर जीसीआरटी चल रही है, डीएड कॉलेज चल रही है वो कांग्रेस ने बनाई है, ये भी झूठ है, यहाँ का रिनोवेशन अभी हुआ है, विधायक हमारे बाबू भाई बोखिरिया है, युवा के नाते मैं सच बोलना चाहूंगा। मैंने बीएड कॉलेज का बोला, बीएड कॉलेज कांग्रेस ने चालू किया है। अभी रिनोवेशन कौन करा रहा है, कौन रिनोवेशन सरकार करा रही है, इनको पता ही नहीं है, सरकार करा रही है, इनको पता ही नहीं है। सरकार किसकी है, तो सरकार किसकी है, सरकार जो कराती है वो अपने घर के पैसे से नहीं कराती किसी के, क्यों वो बाबू भाई बोखिरिया के पैसे नहीं है, वो आपके और मेरे जेब से पैसे निकलते हैं। नहीं बट उसकी जिम्मेदारी आप मानते तो ना कि भाजपा ने ली है, तभी तो ये लोग बना रहे हैं इसको। बिल्कुल नहीं मानता, वो पैसे कोई किसी पर्सनल नहीं है, मैंने भी बोला घर के पैसे से मैंने रिनोवेट नहीं करवाया है, वैसे बाबू भाई ने भी नहीं करवाया है। ठीक है सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, एक सेकंड, बीच में नहीं। देखिए मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, हमारी स्कूल बाबू भाई बोखिरिया और हमारे पोरबंदर के प्रिंसिपल ने 2,43,00,000 की प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई, इतनी बड़ी, इसमें 1500 स्टूडेंट केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक अभी तक पढ़ते हैं, तो ये विकास नहीं हुआ? मैं वो बोलता हूँ कि बाबू भाई ने जो किया है काम, सरकार। आपका नाम क्या है और आपके स्कूल का नाम क्या है जिसका आप जिक्र? यस सर, जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट थिंग। आपका नाम पूछ रहे? माई सेल्फ इज बलराज पडलिया, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट थिंग दैट देयर इज अ फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन द पोरबंदर, इट्स अ बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द। नाम क्या है सर? अरे अरे आ लोगों ने इंग्लिश से खबर पड़े, इफ दे कैन अंडरस्टैंड इट्स पोरबंदर इज अ वेल एजुकेटेड पर्सन, देयर आर। अरे अंग्रेजी मत बोलिए सर, हमें समझ नहीं आती है, आज तक है ये हिंदी के दर्शक है। अरे तो हम तो इंग्लिश मीडियम में प्रिंसिपल थे। नाम तो बता दो स्कूल का। स्कूल का नाम म्युनिसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल। चलिए चलिए, और कौन यहाँ से आप पूछना चाह रहे थे? ये जो विकास हुआ है यहाँ का, तो सवाल है या सवाल है कि ये कांग्रेस वाले है ना, वो नकल करने में बहुत माहिर है। अभी आप देख रहे होंगे वो नाइट्रोजन का, वो पहले भाजपा जो बलून सारे लगा रहे हैं, सारे बलून, ये बड़ा दिलचस्प, अपने दर्शकों को भी बता दें, हमने तस्वीरें भी ली हैं, पूरे पोरबंदर में पोस्टर और वो सबसे गंदगी की जगह आप बलून्स में प्रचार देखते हैं इस बार, तो उसका भी नकल कर दिया। नकल कौन करता है जिसमें अकल नहीं होती, जैसे पप्पू मोदी जी की भी नकल करते हैं। किसी का अपमान मत कीजिए, अपनी बात कहिए और किसी का अपमान किए बिना भी आपको पूछा। आइए सर, जल्दी आइए, इधर बहुत सारी महिलाएं, आप लोग को पूछना। मैडम मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता है उसको पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर कचहरी पोरबंदर ने बनवाई कभी? वो कलेक्टर कचहरी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब बनी, नहीं तो कलेक्टर कचहरी भी राजमहल का राजा के हिसाब से उसके महल में बैठती थी। पूछो इनको कि बनवाया कहीं कलेक्टर कचहरी?
अब सर क्या करें, दो बार से इनका 27 साल से इनका शासन, फिर भी जनता आपसे सवाल कर रही है। वही बात है कि 27 साल पहले जो 27 साल पहले जो बात हुई थी वो बात नहीं करेंगे, पिछले 27 साल में जो हुआ है वो बात करेंगे। ठीक है, अब जनता तो पूछ ही सकती है ना कि उनको डांटिएगा। मैंने 2013 में हैंडीकैप हूं मैं, वो मैंने मांग की थी कि मेरे को 100 वर्ग का प्लॉट कोलीखड़ा में 77 नंबर का चौरस मीटर में मिले, 13 की अर्जी थी और अभी तक 2022 हुआ। मैंने आरटीआई से रिक्वेस्ट की, 205 है आर्मी के नौजवान की और विकलांगों की, अभी तक नहीं मिली। ठीक है, आपका पेपर अभी अभी उनको देंगे हम लोग, आप यहीं पर रुकेगा। जो अर्जुन भाई बोल रहे थे ना गेम ऐसा कर रहे वैसा, वो पब्लिक मारने डोलती है 13 नंबर के वोट में। अर्जुन भाई जाके जरा दिखो और देखो आप, ये भाई माजी सैनिक आपको भी प्लॉट अभी तक सरकार ने नहीं दी तो क्या करते हैं आप? चलिए जल्दी पूछो, बीजेपी के हैं आप? मैं बीजेपी का हूँ और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दफा भी बीजेपी हैट्रिक करेगी। सवाल पूछो। और सवाल एक ही है, कांग्रेस ने पूरे वर्ल्ड में पोरबंदर के लिए एक ऐसा काम किया कि जो शायद आपको भी मालूम नहीं है कि जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पूरा सूरत कांग्रेस का था, तब पोरबंदर की जेल ये राज्य सरकार कांग्रेस ने बंद कर दिया था क्योंकि हम चला नहीं सकते थे, इतनी गुंडागर्दी थी। कानून व्यवस्था को लेकर गृहमंत्री ने भी आज तक के इंटरव्यू में कहा कि इसी पोरबंदर को मैंने अपनी आंखों से देखा, लिखा रहता था, अब पोरबंदर का बॉर्डर शुरू हो रहा है, कानून व्यवस्था का बॉर्डर खत्म हो रहा है। उस पर उनका सवाल है कि आप जेल नहीं संभाल पाए थे, बंद कर दी थी आपने। गुजरात के मंत्री ने, राजकोट में भारतीय जनता पक्ष के मंत्री गोविंद पटेल ने खड़े होकर बोला, गुजरात में कायदा व्यवस्था नहीं चल रहा है, पुलिस कमिश्नर खुद पैसे लेते हैं और वही तोड़बाज है, वो गुजरात के मंत्री ने बोला है। कायदा व्यवस्था का जवाब गुजरात के मंत्री को, जो प्रजा को बीच में बोलते हैं उसको बोलना चाहिए। दौड़ के आइए, दौड़ के आइए, आखिरी सवाल। ये सर बोल रहे हैं कायदो व्यवस्था की बात, पोरबंदर की बात करें, बिफोर 95 हम लोग औरत लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स पोरबंदर के बाहर नहीं जा रहे थे, गुंडा राज था हमारे बाबू भाई बोखिरिया ने आके हम सब महिलाओं को, औरतों को, गर्ल्स एजुकेशन को, सबको बढ़ावा देके सब लोग, अभी आधी रात को मैं डॉक्टर हूँ, 2:30 बजे जाऊँ, किसी की हिम्मत नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की। तो ये कायदो व्यवस्था हमारे धारा सभ्यश्री ने किया और गर्व से बोल रहे कि महिलाओं के लिए जो डर था, घर के बाहर नहीं जाते थे, अपना घर बंद ताला लगाते थे तो कोई आके कब्जा कर लेता था, और जब रोड पे चले जाते थे तो हॉर्न बजा के, म्यूजिक बजा के लड़की को खींच लेते थे, ये सब हमारे बाबू भाई बोखिरिया साहब ने बंद करवाया और भाजपा की सरकार ने हमको गर्व से जीने का मान दिया। डॉक्टर है? हाँ, मैं डॉक्टर। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। 1995 से पहले, जिस तरीके से चेताबेन तिवारी, डॉक्टर चेताबेन तिवारी जैसे बताया, 1995 से पहले पोरबंदर की परिस्थिति कैसी थी इसका नजारा आप भी देख चुके हैं, गृहमंत्री का निवेदन आपने बताया, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी की सरकार 1995 में गुजरात में आई है, भाजपा की ओर से पोरबंदर में बाबूभाई बोखिरिया साहब पहली दफा यहाँ से धारासभ्य बने, तब से लेकर आज तक ये पांचवी बार धारासभ्य बनने जा रहा है 2022 में। बीजेपी साहब जुड़े हुए, जल्दी से। बिल्कुल, कांग्रेस जो कह रही है कि हम सिलेंडर और उसमें सब्सिडी देंगे, तो राजस्थान में आप उनका राज है अभी, राजस्थान में सरकार, तो वहां क्यों नहीं देते? राजस्थान में राजस्थान के हमारे शासन में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, फिर यहां पे कहने आए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे।